Half good, fully mad. Well, hello friends, and welcome to another episode of Bollywood This Week. क्या हो रहा है मेरा भाई? Well, friends, मैं हूं अंसारी. आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. ये कोई ऑनसेट एपिसोड नहीं होगा, ट्रेलर आ चुका है, हमने जितनी सारी चीजें डिस्कस की थी सब देखने मिल गई है. एंड गाइस, अब बस इंतजार है फिल्म देखने का, जब वाकई में हमारे सामने ये फिल्म आएगी. वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं आपको एक और नए गाने से रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस अब ट्रेलर के बाद जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, जितने भी राधे के फैंस हैं, उनकी उम्मीदें गानों पर टिकी है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, गाने आप लोगों को जरा भी निराश नहीं करेंगे. राइट फ्रॉम द सिटी मार्ट सॉन्ग, द जूम जूम सॉन्ग, द टाइटल ट्रैक, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. स्पेशली जब हमने सारी पिक्चराइजेशन देखी है सॉन्ग्स की, वी नो कि इन गानों में प्रभु देवा सारे के सारे लोगों का एक ट्रेडमार्क रहेगा. वेल फ्रेंड्स, जो सीटी मार गाना है वो खुद जो ओरिजिनल कोरियोग्राफर है, यानी कि सीटी मार के जानी मास्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने खुद इस गाने की कोरियोग्राफी की है. एंड उनके लिए सलमान भाई के साथ काम करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. डीएसपी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका सलमान भाई के साथ काम करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. सलमान खान एक ऐसे एक्टर है जो पिछले 3 डेकेड से इंडस्ट्री में है, इसीलिए गाइस बहुत बड़ी बात है उनके लिए जो काम करते हैं सलमान खान के साथ. लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक और गाने के बारे में. यस फ्रेंड्स, एक और गाना है इस फिल्म का जो मैं आपको आज रिवील करने वाला हूँ. एंड इस गाने का नाम है यहाँ पर दिल दे दिया. यस फ्रेंड्स, दिल दे दिया एक और गाना है जिसको 15 तारीख को, यानी कि 15 अप्रैल को समीरा नाम्बियार, जो कि एसकेएफ में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने जाके यहाँ पर सेंसर के लिए अप्लाई किया था. 15 अप्रैल को इसका सेंसर हुआ. 4 मिनट 32 सेकंड का गाना है. और फ्रेंड्स देखिए, गाने कितने मिनट के इस फिल्म में जाएंगे, फिल्म कितनी एडिट हुई है ये मुझे पता नहीं. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. यू नो, वहां पर शुक्ला, आप सभी लोगों को पता है शुक्ला नाम का जो आदमी है, जो कि बिग बॉस में भी था, एंड यहाँ पर दबंग जो पिक्चर थी उसमें भी था संतोष शुक्ला, जय हो में भी था, लंबे बाल थे उसके, उसका अच्छा खासा रोल था दबंग 3 में. उसने कितनी सारी शूटिंग की थी वही में, महाबलेश्वर में, लेकिन पिक्चर में ना संतोष शुक्ला के मुंह से एक डायलॉग सुनाई दिया, ना संतोष शुक्ला कहीं दिखा बेचारा पिक्चर में. वो कम से कम 8 दिन की शूटिंग किया था. तो गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जो फिल्मों की शूटिंग करने जाते हैं, उनके सीन्स कट जाते हैं, इसलिए उनका दोष हम लोग पे मत दीजिए. एंड मैं अभी एक्सप्लेनेशन देना बंद ही कर देने वाला हूँ, कि मेरा काम है आप लोग को बताना. वो पिक्चर में नहीं आता है, वो एडिटर को जाके पूछो क्यों नहीं आया पिक्चर में. ओके, तो गाने भी यहाँ पे 4.5 मिनट के दिख रहे हैं, तो गाइस गाने भी आपको एडिट करके मिलेंगे, पूरे पूरे गाने नहीं आने वाले. ओके, दे हैव शॉर्ट द सॉन्ग, उसमें कितना मिनट फिल्म में डालेंगे ये जब फाइनल कट आएगी पिक्चर की, तभी हमको पता चलेगा. आई थिंक दे शुड मेक अ क्रिस्प कट, क्योंकि जब राधे यू नो ऑन पेपर थी इन स्क्रिप्ट वाइज दे हैड टू मेक अ वेरी शॉर्ट फिल्म, लेकिन अब गानों की लेंथ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर आराम से 2 घंटा 20 मिनट खींचने वाले हैं लोग, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. पिक्चर को फास्ट रखो, पेसी रखो, ज्यादा गाने मत भरो, गानों के बस एक मुखड़ा एक अंतरा काफी है भाई. सिटी मार, दैट्स इट, बस 1.5 मिनट रखो, पिक्चर आगे बढ़ाओ. फिर एक गाना जैकलिन का थोड़ा रखो, आगे बढ़ाओ. फिर ये दिल दे दिया गाना थोड़ा रखो, आगे बढ़ाओ. जूम जूम गाना थोड़ा आगे बढ़ाओ. उसका स्ट्रीट सॉन्ग भी है, टाइटल ट्रैक भी. कितने गाने कैसे फिल्म के एडिट में आएंगे मुझे नहीं पता. आई थिंक अब एसकेएफ को थोड़ा भाई, एडिटर रितेश सोनी, थोड़ा आराम से एडिट करो पिक्चर, क्रिस्प कट बनाइए. तो गाइस दिल दे दिया गाना एक और गाना है, एंड आई हैव गॉट बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. हंगामा म्यूजिक जो है, यस फ्रेंड्स, हंगामा म्यूजिक इसके म्यूजिक पार्टनर है राधे की, एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो राधे के सारे गानों को स्ट्रीम करने वाले हैं अपने चैनल पर. ये उनकी कमिटमेंट है, एंड दे आर वेटिंग क्यूरियसली फॉर द फर्स्ट सॉन्ग सिटी मार. तो फिलहाल जो म्यूजिक टीम है उन लोगों ने सिटी मार गाना जो है सलमान भाई का, उसको पहले लाने की प्लानिंग की है. तो लेट्स सी अब कब सिटी मार आता है, तो वक्त ही बताया, क्योंकि गाइस अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं इस फिल्म के रिलीज के लिए. एंड 13 मई, ऐसा लग रहा है बस कल ही है. आई मीन जस्ट 20 दिन है, मैक्सिमम 20-21 दिन है. अगर 4 गाने रिलीज करने हैं 3-3 दिन के गैप में, तो दे शुड रिलीज अ सॉन्ग मैक्स बाय मंडे और बाय संडे, एंड वी ऑल वेटिंग फॉर द फर्स्ट सॉन्ग. एक और मेरी विनंती है टीम से कि गाने को मेहरबानी होगी एक ही चैनल पे गाना रिलीज करना मेरा भाई. सीरियसली बोल रहा हूँ, जी म्यूजिक, जी म्यूजिक पे कर देना, एसकेएफ और जी म्यूजिक पे गाना मत करना.
इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है, इसमें कोई रीच अचीव नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन अचीव हो रहा है। किसी भी समझदार आदमी को जो म्यूजिक मार्केटिंग, जो फिल्म मार्केटिंग में है, इनसे अगर बात करके आप पूछोगे कि ऐसा ऐसा राधे के साथ हुआ है, दे ऑल हैव अग्रीड दैट दिस हैज बीन अ मार्केटिंग ब्लंडर, दिस इज नॉट हाउ म्यूजिक इज मार्केटेड, दिस इज नॉट हाउ योर प्रोडक्ट इज मार्केटेड। ठीक है, जितने भी लोग है इन्वॉल्व मीडिया फील्ड में, उनको पता है कि दिस हैज बीन अ ब्लंडर। गाइस, इसमें पार्टनर्स ही इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि एवरीवन वांटेड द यू नो पीस ऑफ शेयर। जी म्यूजिक वाला बोल रहा था मुझे भी चाहिए, जी फाइव इवन आई वांटेड, जी प्लेक्स मुझे भी चाहिए, जी स्टूडियो मेरे को भी दे दे रहे, वाई एसकेएफ पे तो आना ही थी। म्यूजिक इज गोइंग टू जस्ट कम ऑन जी म्यूजिक, दैट्स इट, प्लीज डोंट रिलीज ऑन टू थ्री चैनल्स। ओके, सो गाइस, मैंने सीटी मार गाना फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है, एक और गाना है दिल दे दिया, एंड इस गाने की जानकारी मुझे सल्लू खान बीन सलमान खान के फैन ने दी है। लोकेशन यहाँ पे मदर हार्ट लिखा है एंड क्या मेरी जन्नत लिखा है माशाल्लाह, एंड यहाँ पे लिखा है सल्लू खान राधे। तो ये भाई साहब ने मुझे ये मेरे को टैग किया था, तो मुझे पता चला, फिर मैंने सेंसर बोर्ड देखा जाकर, तो मुझे इन्फो आई। ओके गाइस, एपिसोड पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अपन 36 आवर्स के व्यूज के साथ राधे को, लेट नाइट एपिसोड है, सोना मत, 11:30 तक मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद कल 48 आवर्स के व्यूज डिस्कस करेंगे, फिर विल क्लोज द चैप्टर ऑफ द ट्रेलर, फिर गाने बजाएंगे। एज ऑलवेज से Stay cool, man.